टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतने के बाद विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने अब अपनी सादगी से भी लोगों का दिल जीत लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुपल व्यास। जी हाँ, हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का की काफी फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो रही है। क्रिकेट से दूर और ब्रेक लेने के बाद अब विराट कोहली उत्तराखंड के दौरे पे हैं और अपनी पत्नी अनुष्का और अपनी बेटी वामिका के साथ उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक धार्मिक स्थल कैंची धाम मंदिर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पूरे परिवार समेत बाबा नीम करौली के भी दर्शन किए हैं। इस दौरान जब यहां के आम लोगों ने उन्हें देखा तो खुशी से झूम उठे। इसके बाद यहां मौजूद कई फैंस ने स्टार कपल के साथ तस्वीरें ली। विराट और अनुष्का भी फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए सहज और काफी खुश नजर आए हैं। यही नहीं, इस मंदिर पर बहुत सारे विदेशी भक्तों की भी आस्था है, जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी कैंची धाम मंदिर में दर्शन के लिए जा चुके हैं। विराट और अनुष्का को देख जहां लोगों के मन में खुशी पैदा हुई, वहीं हैरान भी हुए कि कोहली उत्तराखंड ही क्यों गए। दरअसल माना जा रहा है कि कोहली और अनुष्का अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उत्तराखंड गए थे। वहीं विराट ने यह भी बताया कि उन्हें बाबा नीम करौली में पहले से ही काफी आस्था थी। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर की मान्यता और बाबा नीम करौली के बारे में। उत्तराखंड में अनेकों ऐसे धाम हैं जहां की मान्यता भक्तों को खींच ही लाती है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवभूमि आते हैं। वहीं कैंची धाम की मान्यता की भी काफी चर्चा है, जो नीम करौली बाबा के नाम पर प्रसिद्ध है। नैनीताल की वादियों के बीच स्थित कैंची धाम हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर विराजित नीम करौली बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। अब आपको बताते हैं कि नीम करौली बाबा कौन थे। दरअसल नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था और वही 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई थी। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक उपलब्धियां प्राप्त थी। और यही नहीं, नीम करौली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में भी की जाती थी। केवल उत्तराखंड में नहीं, विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी कैंची धाम मंदिर के दर्शन के लिए जा चुके हैं और नीम करौली बाबा में काफी आस्था भी रखते हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर भी बनवाए हैं। मान्यता है कि बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक उपलब्धियां प्राप्त थी। और यही नहीं, बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा के चमत्कारों का वर्णन करते हुए उनके ऊपर एक किताब भी लिखी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।